नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है कुलक्षणी स्त्रियों में ऐसे कौन से 11 अवगुण होते हैं जिनसे उनकी पहचान होती है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम बहुत ही स्टेक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने पेश करते हैं और बहुत ही कम आपका हम समय लेते हैं, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, इससे पहले आपको मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। अब मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कुलक्षणी नारियों के 11 अवगुण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला कि वो अपने पति के होते हुए भी चाहे कितना सुंदर हो, धनवान हो, मेहनती हो, सीधा हो, शरीफ हो, फिर भी उनकी पत्नियां पराए मर्दों के साथ गलत संबंध, शारीरिक संबंध बनाकर रखती हैं। और जो विधवा नारी होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो हमेशा विधवा का बाना पहनकर गैर मर्दों के साथ संबंध बनाकर गर्भपात कराती हैं, बच्चे गिराती हैं, वो नारियां कुलक्षणी होती हैं। नंबर दो, कुलक्षणी नारियों का दूसरा अवगुण ये होता है कि वो कई कई दिनों में स्नान करती हैं, खुल्ला दातुन करती हैं, अपनी सफाई करती हैं और वो रोजाना सूर्य निकलने के बाद देर से उठती हैं और शाम को बहुत जल्दी पांव फैलाकर सो जाती हैं। नंबर तीन अवगुण कुलक्षणी नारियों के अंदर ये मिलता है कि वो हमेशा अपने परिवार वालों को, अपने पति को और अपने बच्चों को हमेशा गुलाम बनाकर रखती है, उनको हमेशा डांटती है, उन पे रोक चलाती है और आप सहजादी बनकर बैठी रहती है और बैठी बैठी हुक्म झाड़ती रहती है, हिल्ला एक नहीं करती है और बड़ी बड़ी बातें बनाती है। नंबर चार, कुलक्षणी स्त्रियों के अंदर ये अवगुण मिलता है मांस, मदिरा, धूम्रपान का सेवन करती है। नंबर पांच अवगुण कुलक्षणी नारियों के अंदर ये मिलता है कि वो हमेशा चाहे कोई काम हो या ना हो, वो आजाद जिंदगी जीती है और घर वालों की इज्जत की परवाह नहीं करती है। सुबह नहा धोकर श्रृंगार करके निकलती है और शाम को दिन ढले घर में आकर बढ़ती है, काम हल्ला कोई नहीं करती है और आके लंबे पैर करके सो जाती है। नंबर छह अवगुण कुलक्षणी नारियों के अंदर ये देखने को मिलता है, वो कहीं भी बाजार में खड़े होकर ठेलियों पर ठूस ठूस कर खाने लग जाती है, बहुत तेज तेज चलती है, बहुत जोर जोर से बोलती है और बहुत जोर जोर से दांत फाड़ फाड़ कर हंसती है, जो हर किसी से नजर मिलाकर बात करती है, जिसकी आंखों में शर्म नहीं होती है। नंबर सात कुलक्षणी स्त्रियों के अंदर यह गुण मिलता है कि उनकी ये बाहें बहुत मोटी मोटी होती हैं और एक दूसरे से मिली हुई रहती हैं, यानी वो अजीब सी होती हैं, वो नारियां भी कुलक्षणी का रूप होती हैं। नंबर आठ कुलक्षणी स्त्रियों के अंदर ये अवगुण भी देखने को मिलता है कि उनकी जीवा जो होती है वो बहुत काली होती है या उस पर कोई मोटा सा काला तिल होता है, तो वो नारियां भी कुलक्षणी का रूप होती हैं, यानी अगर उन्होंने गुस्से में किसी से शराब दे दिया, कुछ बोल दिया तो समझो कि उसका नाश हो जाता है। नंबर नौ कुलक्षणी स्त्रियों के अंदर ये अवगुण भी देखने को मिलता है कि उनके पैरों पर या हाथों पर या कभी कभी उनकी छाती पर बहुत ज्यादा जानवरों की तरह काले काले बाल मिलते हैं, मोटे मोटे, तो वो स्त्रियां भी दुराचारिणी और कुलक्षणी होती है। नंबर दस कुलक्षणी स्त्रियों के अंदर ये अवगुण भी देखने को मिलता है कि उनके जो पैर होते हैं वो बिल्कुल सपाट होते हैं, उनके अंदर कोई जगह नहीं होती है। यदि उनके आप पैर मिट्टी में छपे हुए देखोगे तो पूरा का पूरा पैर छपा हुआ मिलेगा। ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाती हैं वहां चौड़ा चौड़ा हो जाता है। नंबर 11 अवगुण कुलक्षणी स्त्रियों के अंदर ये मिलता है कि उनकी जो गर्दन होती है वो बहुत छोटी होती है, यानी धड़ के अंदर धसी हुई होती है, इस तरीका से होती है, तो वो भी कुलक्षणी का रूप होती है और वो जीवन में हमेशा अपने पति के लिए घातक होती है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, ये मैंने कुलक्षणी स्त्रियों के 11 अवगुण बताए हैं जिन अवगुणों को बहुत ही अशुभ माना जाता है।
लेकिन कुलक्षणी नारियों के अंदर और भी बहुत सारे अवगुण देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने आपको खास खास 11 अवगुण उनके बताए हैं, उनकी पहचान बताई है। दोस्तों, जिसके अंदर ये कमी होगी, मेरी माता बहनों, मेरा मतलब ये नहीं है, इससे पहले मेरा हाथ जोड़कर उन माता बहनों से निवेदन है कि अगर उनके अंदर ये कमियां हैं तो वो उनकी वजह से नहीं है, भगवान का दिया हुआ शराब होता है, पिछले कर्मों का वो हिसाब होता है, तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। हमेशा वही इंसान जीवन में बड़ा होता है जो अपनी कमियों को स्वीकार करता है। जो गूंगा होता है, बहरा होता है, लंगड़ा होता है, अंधा होता है, या हमारी अजीब तरह की जानवरों जैसी बनावट होती है, तो ये सभी भगवान के दिए हुए श्राप होते हैं, हमें पिछले कर्मों के दंड होते हैं। जैसे कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो वो हमेशा 7 जन्मों तक विधवा रहेगी, यानी जब भी जन्म लेगी विधवा ही होती रहेगी, क्योंकि उसे 7 जन्मों का श्राप लग जाता है। लेकिन इस श्राप से यदि आपको मुक्त होना है विधवा स्त्रियों को, तो उनको एकादशी का व्रत करना चाहिए, तभी वो इस श्राप से मुक्त हो सकती हैं, वरना वो जब भी शादी करेंगी जल्दी जल्दी विधवा होती रहेंगी। ये भी एक भगवान का दिया हुआ श्राप होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं हमेशा बहुत ही सटीक, बहुत ही सच्चाई के साथ आपके सामने ऑडियो वीडियो पेश करता हूँ। यदि मेरी वजह से किसी माता बहन का दिल दुखा हो, किसी को बुरा लगा हो, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपके दिल को आघात पहुँचाऊँ, दुख पहुँचाऊँ या आपका अपमान करूँ। मैं तो ये चाहता हूँ यदि आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको कोई शराब भगवान ने दिया है, तो उसको कभी गलत निगाह से या बुरे दिल से मत सोचना। सोचना कि चलो ये तो हमें पिछले कर्मों का हिसाब जो दंड मिला है ये तो भुगतना है ही, लेकिन हमें आगे किसी के साथ बुरा नहीं करना है। इसलिए पूजा पाठ में, मान सम्मान में, और जहां आपकी शादी हुई है, जिस घर में आप गए हैं, वहां अपने कर्मों को सुधारिए, उस घर को मंदिर बनाइए। अगर आप चाहे कितने भी गुरु हो, तुम्हारे अंदर कितने भी कमियां हो, तो आपके व्यवहार से, आपके कर्म से सब कुछ सुधर सकता है, क्योंकि कर्म प्रधान होता है। थोड़ा कहना ज्यादा समझना, मेरा यही मतलब होता है। माता और मेरी बहनों, मेरे भाई और बंधु, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर रहता हूँ विराम, फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए पंडित राजगुरु शर्मा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत।